हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 1 से लेके 10 तक 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 8 का गणित, सुगम गणित, और आज एक्सरसाइज 10 का 10 का ए, और आज हम 10 और 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन को समझिए, सुनिए। 10 पुस्तकों का क्रय मूल 9 पुस्तकों के क्रय विक्रय मूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न को समझने के लिए कोशिश की। कोई आदमी 10 गो पुस्तक खरीदता है, 10 पुस्तक खरीदा और 9वें गो पुस्तक खरीद बेचता है, और जितना में खरीदा उतना पैसा प्रॉफिट कमा लिया, तो उस व्यक्ति को कितना परसेंट लाभ हुआ, यही हमको निकालने बोल रहा है। चलो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ अपने मन से पैसा मान लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं, माना कि 9 वस्तु का विक्रय मूल 100 रुपया है। 100 रुपया है। 9 वस्तु का विक्रय मूल कितना मानिए दोस्तों? 100 रुपया। देखिए, 9 वस्तु का विक्रय मूल 100 रुपया है, तो 10 वस्तु का भी उतना होगा। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कितना होगा? 10 पुस्तक है, 9 पुस्तकों का यहाँ पे पुस्तकों होगा, 10 पुस्तकों का क्रय मूल कितना हो जाएगा? 10 पुस्तकों का क्रय मूल भी 100 रुपया होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। 9 पुस्तक का क्रय मूल और 10 9 पुस्तक का विक्रय मूल, 10 पुस्तक का क्रय मूल आपस में बराबर हो। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम बनाए 9 पुस्तक का विक्रय मूल, तब एक पुस्तक का क्रय मूल कितना हो जाएगा? एक पुस्तक का क्रय मूल 10/100/10 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 10 रुपया। देखिए, एक एक किताब का कीमत कितना है? 10 रुपया। और कितना किताब बेच रहा है? 9 किताब, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 पुस्तकों का क्रय मूल कितना हो जाएगा? 9 पुस्तकों का क्रय मूल कितना? 9 किताब, 9 किताब को कितना रुपये में खरीदा होगा? 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90 रुपया। 90 रुपया। और अब कितना है? अब एक होता है प्रॉफिट बराबर फार्मूला, SP घटा CP, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस घटा कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल घटा क्रय मूल। विक्रय मूल कितना है? 100 रुपया, और क्रय मूल कितना निकला है? क्रय मूल 90 रुपया, और घटा देंगे कितना रुपया का? 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया का उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ। लाभ कितना हुआ? 10 रुपया, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। और इसी पर अब यहाँ पे बना रहे हैं, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे CP गुना 100। ये सब फार्मूला पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, वहां से शुरू से आप देख सकते हैं। कितना प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना हुआ? 10, और कितना रुपया में दोस्तों? कॉस्ट प्राइस 90 गुना 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 10 गुना 9, 10 गुना 10 100/9, इसको पूर्णांक में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 11 99 1 9, 11 पूर्णांक/9 परसेंट का प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति को दोस्तों। ये सॉल्व हो चुका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये 11 नंबर का क्वेश्चन सेम 10 ही तरह का बनेगा। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल 51 वस्तुओं के क्रय मूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम जिस तरह हमने 11 नंबर के 10 नंबर के बनाए, उसी तरह ये भी बनेगा। पहले मान लो, माना कि माना कि 50 वस्तुओं का
क्रय मूल्य, पचास वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपया। 100 रुपया मान लिए। देखिए कोई 50 को वस्तु कोई 51 को वस्तु खरीदा और 85 को वस्तु बेच रहा और आपस में पैसा बराबर कर गया, एक तो वस्तु इसके पास बच गया दोस्तों, वही बोल रहा है कितना रुपया में बेचा होगा कि कितना परसेंट लाभ कमाया होगा, भाई हमको निकालने बोल रहा। चलो बनाते हैं, इतना हो गया तो फिर 50 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परंतु 51 वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना होगा, 85 रुपया होगा। 51, 100 रुपया 51 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 51 वस्तु का क्रय मूल्य ये भी 100 रुपया होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य और 51 वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, दोनों बराबर हो गया दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय विक्रय मूल्य मूल्य कितना हो जाएगा, 100/50 काट देंगे कितना, 2 रुपया। 100 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपया। लेकिन कितना वस्तु है, 51 वस्तु, 51 को वस्तु बेचेगा तो कितना रुपया फायदा होगा, 51 वस्तु का विक्रय मूल्य, 51 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 151 51 गुना 2, 102 रुपया। 102 रुपया हो जाएगा, 51 को वस्तु बेचेगा तो कितना रुपया होगा, 102 रुपया। अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे, प्रॉफिट बराबर फार्मूला एसपी घटाओ सीपी, एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस घटाओ एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस घटा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, अधिक प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना रुपया सेलिंग प्राइस कितना है, 102 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 51 वस्तु, 51 है तो ये 51 वस्तु का ही क्रय मूल्य 100 रुपया क्योंकि दोनों आपस में बराबर, 100 घटा देंगे कितना होगा, 2 रुपया। 2 रुपया का उसे क्या हुआ, 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपया का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला आता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे 100, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100। कॉस्ट प्राइस कहाँ है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य कितना माने, 100 रुपया है और गुना 100 100, ये 100 से 100 खत्म। प्रॉफिट कितना हो गया, 2% का इसका आंसर हो गया, 2% का लाभ हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब 12 नंबर का सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, 11 तक हो गया, 12 सॉल्व करें। एक व्यापारी थोक, अच्छा पहले क्वेश्चन समझिए तभी बनाना शुरू कीजिएगा। एक व्यापारी थोक बिक्री बिक्री विक्रेता विक्रेता होगा विक्रिय विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ठग से 2% का लाभ उठाता है और उसी और उस वस्तु को फूटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ठग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या फिर उसका लाभ लाभ प्रतिशत लाभ प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है दोस्तों। पहले समझिए, कोई एक व्यापारी किसी के यहाँ से गया 2 रुपया, उसी से जिसके यहाँ गया उसी से 2 रुपया ठकने के बाद ठक लिया, और 2 रुपया ठक के मतलब किसी वस्तु का मान 10 रुपया है और 2 रुपया ठग लिया मतलब कितना 8 रुपया में वो खरीद लिया और फिर खरीद के और फिर 8 रुपया में खरीदा, फिर 8 रुपया में किसी के यहाँ बेचा दोस्तों, फिर की क्या फिर 2% ठग लिया कितना 10 रुपया में, फिर 2% 12 रुपया। इसी तरह हमको बनाना है, हम मान लेंगे, माना कि विक्रेता ने कोई वस्तु कितना 100 रुपया में खरीदा होगा कितना, मानिए दोस्तों 100 रुपया में खरीदा हो कोई वस्तु 100 रुपया में,
अब देखिए, 100 रुपया में खरीदा होगा, दो पर एक माना कि विक्रेता ने कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 का 2%, 100 का 2% कितना होगा, 100 का 2% ई परसेंट बटा में 100 आया, ये 0 से 0 खत्म, कितना हो गया, 2 2, 100 का 2% कितना, 2 रुपया, 2 रुपया किस पर हो रहा है, 100 पर, तो 2 100 102 हो जाएगा, 100 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102 रुपया। तो वस्तु पर कितना लाभ कमा लिया दोस्तों, 2 रुपया, 100 रुपया का वस्तु था, वो 2% ठगा तो 2 रुपया कमा लिया, तो कितना हो गया वस्तु, तो फिर वस्तु यहाँ लिख देते, लिख वस्तु अच्छे दो यहाँ लिख देते, 2% ठग ठग करने करने के बाद उसे 102 रुपया प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 102 रुपया प्राप्त हुआ, 102 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो कर लिख लीजिए, 100 100 का 2%, यहाँ इसको काट छाट के कितना हो गया, 2 2 2 हो गया, अब 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102। आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में रख लीजिए, क्योंकि भूलिएगा नहीं, तो 102 कैसे आया। और फिर क्या बोल रहा है, फिर उठाता है, यहाँ तक बन गया, तो फिर और उस वस्तु को फुटपाथ विक्रेता के यहाँ बेचने पर गलत ठग से 2% का और लाभ उठा लेता दोस्तों, फिर 2% का लाभ होता है, लाभ उठा लेता, कितना हो जाएगा, 102 का 2% कितना हो जाएगा, 100 का ये कट गया 50, और ये फिर कट जाएगा 51/25, ये कैसे कट गया है, 51/25। फिर यहाँ पे फिर फुटपाथ विक्रेता के यहाँ ठग किया, लिख देते हैं, फुटकर विक्रेता विक्रेता के यहाँ ठग 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 करने पर प्राप्त, ठग करने के बाद कितना हुआ, 51/25 रुपया प्राप्त हुआ हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों ठग हुआ, ठग करने के बाद इतना रुपया प्राप्त हुआ, इतना रुपया प्राप्त हुआ, अब हमको क्या निकालना, प्रॉफिट। देखिए कुल लाभ कितना हुआ, 2 रुपया प्लस, और 1 लाख कितना हुआ, यहाँ एक बार ठग किया, कितना लाभ कमाया, 102 रुपया, कितने कितने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, या 2 रुपया, 2 रुपया यहाँ पे आया कैसे, 102 रुपया, यानी लाभ कितना कमाया, 2 रुपया, और एक बार कितना, 51/25, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते सिर्फ 2 रुपया, 2 रुपया प्राप्त हुआ, 2 रुपया ठग करने के बाद प्राप्त हुआ। और यहाँ अब इसके बाद लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 25 दूनी 50 25, उसके बाद कितना बार में 25 बार में 25 दूनी 50 प्लस 51, 101/25, 101/25, ये कुल लाभ हुआ, कुल प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब कुल प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है, बहुत बार बता चुके हैं, प्रॉफिट एक प्रॉफिट बट प्रॉफिट कितना, कुल प्रॉफिट 101/25 बटे कुल कितना है, कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100, और गुना 100, ये 100 से 100 खत्म, प्रॉफिट बराबर 101/25, और इसको दशमलव में लाने के लिए 4 से यहाँ पे गुना कर सकते, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दें, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 25 101 भाग भाग कीजिएगा, उतना ही आएगा, कितना होगा, 4 0 4, 400 या 100, कितना होगा, 4 अंक के बाद दशमलव, मतलब 4.4% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 4.04% का प्रॉफिट हुआ। ये दोस्तों बहुत बड़ा नियम हो गया, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसानी से बना दीजिएगा। चलो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी ये नियम हुआ, और एक फार्मूला से भी बताएंगे, वो भी आसानी से बन जाएगा।
ये फार्मूला आपको ए भी एक फार्मूला होता है, कोई ए भी बोलेगा, कोई एक्स वाई फार्मूला बोलेगा, आप कोई भी, हम ए भी बोल रहे हैं, ए बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100, ये फार्मूला पर ऐसा कहीं दिख जाए दो बार, पर दो बार, एक बार लाभ, एक बार दो बार लाभ लाभ दिख जाए, या एक बार लाभ हानि, एक बार हानि हानि, कहीं भी दिख जाए इसके हिसाब से, यहाँ किसके हिसाब से बनाते हैं, ये दोनों को किस तरह आएगा, या एक एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा, तब यहाँ पे हानि हो क्योंकि माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाभ लाभ में क्या था, प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस 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 प्लस, ये सब होता है, ये आप नहीं जानते तो आप लोग नोट भी ये भी कर सकते हैं, या ये फार्मूला पर बना देंगे तो कितना आसानी से, कितना परसेंट का लाभ हुआ 2% का, फिर प्लस, फिर कितना परसेंट का लाभ हुआ 2% का, और प्लस प्लस क्योंकि लाभ लाभ हो रहा है तब प्लस दिए, अब गुना ए 2 गुना 2 बटे 100, ये 2 से काट दिए 25 हो गया, 50 हो गया, ये फिर 2 से काट दिए 25 हो गया, अब कितना हो गया, 2 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 बटा 25, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 बार में 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 बटे 25, वहां भी किए थे इतना ही आया था, और 400 ऊपर नीचे गुना कर दिए थे, कितना हो गया 404 बटे 100, और यहाँ दशमलव में लिख दिए थे 4.04% का प्रॉफिट हुआ था, यही तो कितना आसानी से बन गया, उसमें मानो ये करो कितना मेहनत था, और ये फार्मूला आप रखिए, याद रखिएगा तुरंत बन जाएगा। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।